नवी मुंबई नेटवर्क। पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र में लगातार घट रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े को देखते हुए अब सरकार ने नए नियम के तहत पनवेल महानगर पालिका में लॉकडाउन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 1 जून सुबह 7 बजे से 15 जून सुबह 7 बजे तक लागू होंगे। तो क्या है नियम, आइए जानते हैं। सभी अत्यावश्यक वस्तुएं और सेवाओं की दुकानें जो वर्तमान में सुबह 7 से 11 बजे तक खुली रहती थी, अब वे तमाम दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। अत्यावश्यक दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें, यानी कि एकल दुकानें जिसमें मॉल और शॉपिंग सेंटर का समावेश नहीं है, ऐसी एकल दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि ये दुकानें शनिवार और रविवार पूर्णतः बंद रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं के अलावा ई कॉमर्स के माध्यम से गैर आवश्यक वस्तुओं की भी होम डिलीवरी की जा सकेगी। हालांकि चिकित्सा या अन्य आपात स्थितियों को छोड़कर दोपहर 2 बजे के बाद आने जाने पर नियमित तौर पर पाबंदी रहेगी। कोरोना विषयक काम करने वाले कार्यालय को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर 25% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। यदि संबंधित विभाग प्रमुख इससे अधिक कर्मचारियों की अनुमति चाहता है तो संबंधित आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसकी अनुमति दे सकता है। कृषि से संबंधित दुकानें कार्य दिवसों में दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी, मगर शनिवार और रविवार ये दुकानें पूर्ण तौर पर बंद रहेंगी। दुकानों पर सामान की आपूर्ति करने वाले परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन एक बार दुकान खुलने के निर्धारित समय के बाद अगर दुकानें ग्राहकों के लिए खुली रही, दुकान को कोरोना संक्रमण समाप्त होने तक सील कर दिया जाएगा और 12 मई के आदेशानुसार उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। हालांकि निर्धारित समय के अनुसार होम डिलीवरी जारी रहेगी। मिशन अनलॉक की तरफ जाते हुए ये नियम 15 जून 2021 सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगे। सजा, अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो 7 रोक अधिनियम 1897, आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम 2005, धारा 51-60 और भारतीय दंड संहिता 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसी की अधिक जानकारी देते हुए पनवेल महानगर पालिका के आयुक्त सुधाकर देशमुख ने कहा कि अत्यावश्यक दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें शनिवार और रविवार बंद रहेंगी। जास्तीत जास्त 700 पर्यंत आपली रुग्ण संख्या एका दिवसाला गेली होती आणि अत्यंत भीतीचं वातावरण असताना एप्रिल आणि मे महिन्यामध्ये जे निर्बंध लागू केले त्याला पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यामुळे काल आणि आज सातत्याने रुग्णसंख्या जी आहे ती आपली 100 आलेली आहे आणि जे पॉझिटिव्ह रुग्ण येण्याची संख्या जी होती ती पॉझिटिव्हिटी टक्केवारी जी आहे ती 5-6% आलेली आहे। नागरिकांच्या सहकार्याबद्दल मी महानगरपालिकेच्या वतीनं मी खऱ्या अर्थाने त्यांचा आभार मानतो, शासनाच्या वतीने आभार मानतो। पण आज आपण जर बघितलं तर कोरोनाची भीती तशी आपली गेलेली नाही। राज्य शासनाने आजपासून 15 जूनपर्यंत वेगळे निर्बंध लागू केलेले आहेत, त्यानुसार दुकानं जी आपली 7-11 सुरू होती ती आता अत्यावश्यक सेवांची दुकानं सकाळी 7 वाजल्यापासून तर दुपारी 2 वाजेपर्यंत चालू राहणार आहे। अत्यावश्यक सेवांच्या सोबतच जी अत्यावश्यक सेवा नाहीत अशी जी स्टँड अलोन दुकानं म्हणतो आपण, एकल दुकानं आहेत जी शॉपिंग सेंटर नाहीत किंवा मॉल्स नाहीत अशी जी दुकानं आहेत ती सुद्धा सकाळी 7 वाजल्यापासून तर दुपारी 2 वाजेपर्यंत चालू ठेवण्यासाठी अनुमती आहे। ही सर्व दुकानं चालू ठेवताना आपल्याला जे निर्बंध आहेत ते सोशल डिस्टन्सिंग आहे, मास्कचा वापर करणं आहे आणि सॅनिटायझरचा वापर करणं आहे, याचं कटाक्षानं पालन करायचं आहे। जी दुकानं याचं पालन करणार नाही त्यांना जर सील केलं तर जोपर्यंत कोरोना महामारी जाहीर केलेली आहे तोपर्यंत दुकानं उघडली जाणार नाही, दंड करून सुद्धा ती उघडणार नाही, अशा प्रकारच्या स्टेप्स घेतल्या जाणार आहे। त्यामुळं सर्व व्यावसायिकांना मी विनम्र आवाहन करतो की आपण या नियमांचं काटेकोर पालन करावं। शनिवार आणि रविवारी मात्र आपली शहरामधील सर्व दुकानं जी आहे अत्यावश्यक सेवा वगळता ही पूर्णपणे बंद राहणार आहे। पावसाळी कामांचा विचार करता त्याच्या सुविधा लोकांना माल उपलब्ध व्हावा म्हणून ही दुकानं उघडी ठेवण्यासाठी अनुमती जरी असली तरीसुद्धा सोशल डिस्टन्सिंग आणि जे कोरोनाचे नियम आहेत त्याच्यासाठी कुठल्याही प्रकारची कॉम्प्रोमाइज केली जाणार नाही। ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।